हेलो फ्रेंड, वेलकम जॉब एफएक्स ट्यूटोरियल। एंड आज की ट्यूटोरियल हम सीखने वाले हैं एब्सोल्यूट पेन के बारे में और वीकेंसी नल लेआउट मैनेजर के बारे में। ओके सो फ्रेंड, जावा एफएक्स में हमें कई सारे बिल्ट इन लेआउट मैनेजर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर पेन हो गया, फ्लो पेन हो गया, ग्रिड पेन, स्टैक पेन, एंकर पेन, टाइल पेन, एच बॉक्स, वी बॉक्स। ओके तो ये 8 लेआउट हमें बिल्ट इन मिल जाते हैं, जो कि अपने अपने वे में अपने कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन लेआउट मैनेजर्स में से कोई लेआउट मैनेजर यूज़ नहीं करना चाहते और अपना कस्टम लेआउट बनाना चाहते हो, मतलब अपने कंपोनेंट्स की पोजीशन मैनुअल सेट करना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको एक पेन क्लास होती है, उसका यूज़ करना होता है। और पेन क्लास क्या होती है? पेन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि इन सभी लेआउट मैनेजर्स की बेस क्लास होती है। ओके और अगर आप कंपोनेंट्स की पोजीशन को सेट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट पेन क्लास में कंपोनेंट 00 पोजीशन पर सेट हो जाते हैं। ओके लेकिन अगर आप बाद में इसकी रिलोकेट मेथड की यूज़ करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ओके एंड इट गेट रिसाइज व्हेन विंडोज रिसाइज। ओके मतलब जैसे ही अगर आप विंडो को आप रिसाइज करते हो तो उसी के साथ ये पेन क्लास पेन एब्सोल्यूट पेन जो होता है ये भी रिसाइज हो जाता है। ओके तो हमारे पास एब्सोल्यूट पेन जैसा जावाएफएक्स में कोई लेआउट मैनेजर नहीं होता, लेकिन पेन क्लास एक ऐसी क्लास है जो कि काफ़ी हद तक एब्सोल्यूट पेन वाली फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करती है। ओके तो इसमें हम मैनुअली पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे समझेंगे एक प्रोग्राम के जरिए, चलते हैं एक्लिप्स में और एक कोड करके देखते हैं। यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक पेन क्लास का एक रूट बना लूँगा, रूट। ओके और इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट की पोजीशन को मैनुअली सेट करेंगे। ओके सो यहाँ मैंने एक पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके पेन एंड अभी मैं क्या करूँगा, दो बटन लूँगा, B1 इज इक्वल टू न्यू बटन, दिस इज माय बिग बटन। ओके एंड एक और बटन लूँगा मैं, B2। न्यू बटन एंड यहाँ मैं लिखूँगा स्मॉल बटन। ओके अभी मैं क्या करूँगा, इन बटन्स को रूट में ऐड कर दूँगा। ओके और अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी कोई पोजीशन सेट नहीं करी है। ओके मैं पोजीशन बाद में सेट करूँगा, तो पहले क्या करूँगा, मैं इनको रूट में ऐड करूँगा। ओके सो रूट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड B1, इसी तरह से B2। ओके अभी क्या करेंगे, इस रूट को सीन में ऐड कर देंगे। ओके सो स्टेज डॉट सेट सीन न्यू सीन रूट 400,400 एंड स्टेज डॉट सेट टाइटल एब्सोल्यूट पेन स्टेज डॉट सो। ओके तो अगर आप अभी इसे रन करोगे तो रन करके देख लेते हैं, तो आपको आप देखोगे कि हमारे पेन में हमारे सीन में दो बटन ऐड हो गए। ओके तो आप देख सकते हैं दोनों बटन ऐड हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों बटन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। ओके क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले पहला बटन वाला बटन दिस इज माय बिग बटन ऐड हुआ। ओके जो कि क्योंकि हमने यहाँ पोजीशन नहीं दिए तो ये 00 पोजीशन पर ऐड हो गया। ओके एंड दूसरी बार जो हमने ऐड किया स्मॉल बटन को, ये भी इसकी भी हमने पोजीशन नहीं दी है, ये भी 00 पोजीशन पर सेट हो गया। ओके तो ये दोनों बटन 00 पोजीशन पर बाय डिफॉल्ट सेट हो गए। ओके तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इनमें से किसी की पोजीशन को सेट करना होगा। ओके तो पेन क्लास में हम मैनुअली इसे सेट कर सकते हैं, तो इसका इसके जरिए इसको करने के लिए हम रिलोकेट मेथड का यूज़ करेंगे। ओके तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले वाले बटन यानी B1 बटन की रिलोकेट मेथड की मदद से पोजीशन को सेट करूँगा। ओके तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करने के बाद यहाँ रिलोकेट मेथड का यूज़ करूँगा। सो B1 डॉट रिलोकेट एंड यहाँ हमें एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पास करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से 100 पिक्सल एंड टॉप से भी 100 पिक्सल मैं पोजीशन पर पास कर रहा हूँ। ओके तो अभी आप अगर इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो B1 बटन यानी कि दिस इज माय बिग बटन, उसकी पोजीशन सेट हो गई। ओके पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि लेफ्ट से 100 पिक्सल और टॉप से 100 पिक्सल पोजीशन चेंज हो गई। ओके तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और बटन बनाऊँगा, बटन B3 इज इक्वल टू न्यू बटन
और उसमें आपको रिलोकेट मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी थ्री एंड इसमें लिखूँ आई हैव माई ओन पोजिशंस। ओके, एंड बी थ्री डॉट सेट लेआउट एक्स, तो यहाँ आप पोजिशन दे सकते हो, तो एक्स पोजिशन में क्या दूंगा 50। ओके, इसी तरह से बी थ्री डॉट सेट लेआउट वाई, यहाँ भी 50 दे दूंगा। ओके, तो चलिए अगर मैंने इसे ऐड तो बना तो लिया लेकिन इसे ऐड नहीं किया, तो इसे ऐड कर लेते हैं बी थ्री को रूट में। ओके, तो अगर मैं इसको अभी आप को रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि हमारा बी थ्री बटन भी है रूट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, यहाँ यहाँ मैंने एक्स पोजिशन ही दे दिया दूसरी बार भी, इसे हमें वाई देना होगा। तो अभी इसे दोबारा से मुझे रन करना होगा, तो दोबारा से रन करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड बटन है यानी कि बी थ्री बटन, उसकी मैंने पोजीशन लेफ्ट से 50 एंड टॉप से 50 पिक्सल दी थी, मैनुअली जो सेट की थी वो उसी जगह पे सेट हो गई। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको पेन क्लास की मदद से अपने कंपोनेंट्स को कस्टम पोजीशन पर सेट करना बताया, कस्टम लेआउट मैनेजर बनाना बताया। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके मिल सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।